हरियाणा के नए सीएम की तगड़ी फजीहत, सिर पकड़कर बैठ गए पीएम मोदी। सीएम तो बदला लेकिन अभी भी हो रही है बेइज्जती। हरियाणा में डूब रही है बीजेपी की नया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, ये सीटें बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता राज्य में स्थापित करने के लिए पार्टी ने सीएम तक बदल दिया, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा। पूर्व सीएम मनोहर लाल की तो कई बार मंच पर फजीहत हो चुकी है। सियासी सयाने तो ये तक कहते हैं कि मनोहर लाल हरियाणा के पहले ऐसे सीएम रहे जिनका जनता और अधिकारी में कोई रौब रुतबा नहीं दिखाई दिया था। कई बार मनोहर लाल का विरोध भी हुआ। पंजाबी मूल के मनोहर लाल को जाट आबादी वाले हरियाणा के कई भागों में स्वीकारा ही नहीं गया, लेकिन जेजेपी के साथ गठबंधन कर जाटों के दिल में बीजेपी ने जगह बनाने की कोशिश जरूर की। नतीजा यह रहा कि जेजेपी से भी लोगों का विश्वास उठने लगा और अब साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा में यह गठबंधन धड़ाम से टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा को एक नया मुख्यमंत्री मिला। मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को बागनौर सौंप दी गई, लेकिन नायब सैनी भी उतनी ही फजीहत करा रहे हैं जितनी मनोहर लाल ने कभी कराई थी। सैनी को भी शायद सीएम वाला सम्मान मिल ही नहीं रहा, ना ही वो जनता के दिल में जगह बना पा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको सिलसिलेवार बताएंगे। दरअसल हरियाणा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की इसी कड़ी में वो नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी है धर्मवीर सिंह उनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां मंच पर पहुंचे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने साथ साथ मोदी की भी फजीहत कराई। बीजेपी की हरियाणा से लेकर पूरी दिल्ली तक फजीहत हो गई। दरअसल सीएम साहब जहां संबोधन करने के लिए पहुंचे वहां अमूमन कुर्सियां खाली ही दिखाई दी, लोग नहीं थे। थोड़े बहुत जो लोग वहां नजर आ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे झुग्गी झोपड़ियों से पैसे देकर वहां पर बुलाया हो कि भाई आप इन कुर्सियों पर बैठ जाइए, अगर ये भी खाली दिखाई दी तो मुख्यमंत्री की बहुत बेइज्जती होगी। अनुराग ढांडा नाम के एक यूजर ने इसका वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर आप भी माथा पकड़ लेंगे कि एक राज्य के सीएम को सुनने के लिए बमुश्किल 50 से 100 लोग बैठे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, लगता है टेंट वाले ने 4 गुना कुर्सियां भेज दी। बीजेपी की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कई मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद बीजेपी की सुपर फ्लॉप सभा, नारनौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा उम्मीदवार धर्म सिंह। तो अब जरा ये नजारा भी देख लीजिए कि सीएम साहब को सुनने के लिए कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, और ये खाली कुर्सियां इस बात का सबूत थी कि उन्हें कितनी महत्वता दी जा रही है। कुछ लोग आगे बैठे हैं, बाकी पीछे तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो कुर्सियां खाली ही हैं। अब ये सीएम के साथ साथ पूरी बीजेपी की भी क्लास लग गई है इस वीडियो के जरिए। अब आपको इस वीडियो पर जो कमेंट आए हैं वो कमेंट्स आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं। अमित रस्तोगी नाम के यूजर ने लिखा, पैसा ही इतना है इनके पास, लोग से ज्यादा कुर्सियां ले आते हैं। कुलबीर लोहान नाम के एक यूजर लिखते हैं, 75 पार और जमुना पार, 400 पार और अब की बार इनकी हार। हरेंद्र डागर नाम के एक यूजर लिखते हैं, अब की बार तड़ी पार। मुरलीधर सिधर लिखते हैं, ये 400 पार जरूर लाएगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसको राजस्थान के रैलीज में बीजेपी वाले प्रचार के लिए बुलाते हैं, जिसको हरियाणा नहीं सुन रहा उसको राजस्थान कैसे सुनेगा। तो देखा आपने किस तरीके से कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जिसको हरियाणा में नहीं सुना जा रहा उसे राजस्थान में कैसे सुना जाएगा, जबकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही हैं। नायब सिंह सैनी की कितनी फजीहत हो रही है किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में चुनाव भी हैं, प्रचार कर रहे सीएम की ऐसी फजीहत मोदी के लिए टेंशन की बात हो सकती है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।